हेलो दोस्तों, अदर सीएनसी कैड कैम में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमरीश मल। दोस्तों, हम कर रहे हैं सॉफ्टवेयर में प्रोग्रामिंग, पावर मिल में प्रोग्राम बना रहे हैं। आज मैं करूंगा इसका जी कोड और यम कोड निकालूंगा, इसका जी कोड और यम कोड निकालूंगा जो पेन ड्राइव में डाल के आप मशीन में लगाते हो। ये सॉफ्टवेयर क्या करता है कि आपका एक प्रोग्राम खुद जनरेट कर देता है। जो आप टूल पाथ लेते हो, मान लो हमने ले लिया मॉडल एरिया क्लियरेंस और हमने दे दिया 20 mm का टूल, ये टूल दे दिया हमने 20 mm का, उसके हिसाब से ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बना के रेडी कर देता है। तो दोस्तों, आइए एक बार इसको मैं सिमुलेशन करके दिखाता हूँ आपको। हम जाएंगे प्ले और इसका मैं कर रहा हूँ सिमुलेशन। अब देखो, यहाँ पे ये टूल हमारा कटिंग कर रहा है, ये टूल हमारा कटिंग कर रहा है। हमने स्टेप डाउन दिया है 5 mm का और ये 20 mm का हमारा टूल है। इसके हिसाब से सॉफ्टवेयर हमारा प्रोग्राम बना के दे देगा, टूल के हिसाब से कि 20 mm का टूल है हमारा और मॉडल एरिया क्लियरेंस है हमारा। इसके हिसाब से सॉफ्टवेयर हमारा प्रोग्राम बना के दे देगा। हम क्या करेंगे, उस प्रोग्राम को पेन ड्राइव में डालेंगे और मशीन में उसको लगा देंगे और ऑफसेट लेके चालू कर देंगे। सेम जिस तरह से आपका कटिंग हो रहा है यहाँ पे, उसी तरह से वहां पे कटिंग हो रहा होगा। तो जी कोड और एम कोड होते क्या है, हम इसका प्रोग्राम जनरेट करेंगे। जिसका इसका जी कोड निकालूंगा और यम कोड निकालूंगा। इसमें होता है एक पोस्ट प्रोसेसर, पावर मिल में एक होता है पोस्ट प्रोसेसर, वो इंटरमीडिएटर होता है पावर मिल के अंदर में, कि उसके माध्यम से हम प्रोग्राम जनरेट करते हैं। तो हमने ये देखो, ये टूल पाथ हमारा है मॉडल एरिया क्लियरेंस का, इसको हमने चला दिया। इसका हमें चाहिए एनसी फाइल, एनसी फाइल मतलब हमें इसका प्रोग्राम चाहिए। अभी तो हम सारा कुछ कर रहे हैं लेकिन प्रोग्राम हमारा नहीं मिला है। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आपका, प्रोसेसर के द्वारा कैसे प्रोग्राम जनरेट करते हैं, एनसी फाइल बनाएंगे हम। तो मैं क्या करूंगा, ये देखो एक नंबर टूल पाथ है, इस एक नंबर टूल पाथ को मैं राइट क्लिक करूंगा, इस पर राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पर देखो क्रिएट इंडिविजुअल एनसी प्रोग्राम, क्रिएट इंडिविजुअल एनसी प्रोग्राम, इसको हम क्लिक कर देंगे। अब देखो यहाँ पे जब इसको हमने किया क्रिएट इंडिविजुअल एनसी प्रोग्राम, तो एनसी प्रोग्राम के आगे ये प्लस का निशान आ गया, एनसी प्रोग्राम के आगे ये प्लस का निशान आ गया, इसको हम क्लिक करेंगे और इस पे जो वन है इस पे हम करेंगे राइट क्लिक, और राइट क्लिक करके हम जाएंगे सेटिंग में। ये देखो हमने क्या क्या राइट क्लिक किया और हम जाएंगे सेटिंग में, हम गए सेटिंग में और सेटिंग में हम क्या करेंगे, ये देखो लिख रहा है आपका आउटपुट फाइल, यहाँ है आउटपुट फाइल। आप इसको सेव कहाँ करोगे, ये पूछ रहा है कि आप सेव कहाँ करोगे। तो सेव करने के लिए हम जाएंगे इस पे क्लिक करेंगे और मैं सेव करूंगा इसे, मैं कर लेता हूँ न्यू वैल्यूम डी, न्यू वैल्यूम डी में इसे मैं सेव करूंगा और नाम दूंगा मैं मल, एम ए डबल एल मल नाम दूंगा मैं। एक मिनट, ये आया नहीं। हम जाएंगे न्यू वैल्यूम डी और यहां पे मैं नाम दूंगा मल, यहां पे मैं नाम दूंगा मल 05, मल 05 करके हमने नाम दे दिया। मल नाम से मैं इसमें प्रोग्राम जनरेट किया हूं इसलिए मैं मल 05 लिख रहा हूं और इसको हम कर लेंगे सेव। हमने इसे सेव कर लिया। और दूसरा ऑप्शन क्या है, मशीन ऑप्शन फाइल, ये देखिएगा मशीन ऑप्शन फाइल। आपको किस मशीन का, मतलब फानुक में आपको प्रोग्राम बनाना है या मिसुबिशी में या जो भी आपका है, तो फानुक में हो गया या मिसुबिशी हो गया या और कोई मशीन हो गई, तो हमें किस मशीन का प्रोग्राम चाहिए, किसके हिसाब से मैं प्रोग्राम बनाएंगे। हम जाएंगे, ये देखो यहाँ मशीन ऑप्शन फाइल, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे हम जाएंगे लोकल डिस्क, लोकल डिस्क। अब यहाँ जाएंगे हम यूजर, पोस्ट प्रोसेसर हमारा वहां पड़ा कहाँ होता है आप देखो इसे। हम जाएंगे लोकल डिस्क, यहाँ पे जाएंगे यूजर, पब्लिक, पब्लिक डॉक्यूमेंट, ऑटोडेस्क, मैन्युफैक्चरिंग पोस्ट प्रोसेसर यूटिलिटी 2019, इस पे हम क्लिक करेंगे।
ये आ गया जेनरिक, इस पे हम डबल क्लिक करेंगे। ये देखो हमारे पास में बहुत सारे आ गए, इलेक्सा, फानुक, पीडिया, हास, हेडर हैंग। हमें किस पे प्रोग्राम बनाना है, कौन से मशीन का प्रोग्राम बनाना है हमें, हम जाएंगे मित्सुबिशी। ये देखो मित्सुबिशी, हमें मित्सुबिशी का प्रोग्राम बनाना है, और मित्सुबिशी हमें सेलेक्ट कर दिया, यहाँ कर देंगे ओके, और यहाँ पे कर दूंगा मैं राइट। देखो यहाँ पे ये है राइट, हमने कर दिया राइट, ये हमारा एनसी प्रोग्राम जनरेट हो गया। देखो लिख रहा है कंप्लीट, हमारा एनसी प्रोग्राम जनरेट हो गया। हमने सेव कहाँ किया था इसे, हमने सेव किया था, हम जाएंगे आउटपुट फाइल, जहाँ हमने सेव किया था हम वहां पे जाएंगे, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, और मैंने सेव किया था न्यू वॉल्यूम डी में ML05 करके। देखो यहाँ पे लिखा आ गया ML05 करके हमने सेव किया था, यहाँ पे आ गया, इसको मैं राइट क्लिक करूंगा और ओपन विथ नोट पैड। देखो आपका ये नोट पैड आ गया, ओपन विथ नोट पैड, इसको हम कर लेंगे ओके। ये देखो ये हमारा प्रोग्राम बन के आ गया मित्सुबिशी के हिसाब से, हमने मित्सुबिशी मशीन सेलेक्ट किया था उसके हिसाब से ये हमारा प्रोग्राम आ गया। आप कोई भी फानुक में कर लो, हास में कर लो, लेकिन आपको करना क्या होता है, सारे प्रोग्राम सेम बनते हैं, सारे प्रोग्राम सेम बनते हैं, बस आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है हेडर एंड फुटर, जो आपका ये हेडर है, जो फर्स्ट लाइन है आपका, जो ये आपको कुछ चेंज करना होता है, जो हेडर आपका है, जैसे कि टूल नंबर हो गया आपका G28, G21, G80, मतलब कुछ चेंजिंग करना पड़ता थोड़ा बहुत। बाकी आपका प्रोग्राम शुरू हुआ है यहाँ से G43, Z10H1, यहाँ से आपका प्रोग्राम शुरू हुआ है, यहाँ से GOX90.0, GO90X0.0Y0.0, यहाँ से आपका मेन प्रोग्राम है। इसके ऊपर का आपका ये हो गया आपका हेडर, तो इसमें थोड़ा बहुत आपको चेंज करने का होता है। अब आप क्या करोगे, ये हमारा प्रोग्राम बन गया, इसको आप पेन ड्राइव में डालोगे, पेन ड्राइव में कॉपी करोगे, कॉपी करने के बाद में उस पेन ड्राइव को आप मशीन में लगाओगे, जो भी आपकी मशीन है, फानुक है, मित्सुबिशी है, जो भी कंट्रोल है आपका मशीन कोई भी हो, तो आप क्या करोगे उसमें, आप मित्सुबिशी है तो उसको पेन ड्राइव को आप मित्सुबिशी मशीन में डालोगे कंट्रोलर पे, और उसको ऑफसेट लेके जो भी आपका वर्क पीस है, और आप उसे रन कर दोगे, चला दोगे, तो सेम आपका ये जो प्रोग्राम है देखो बना हुआ है, ये प्रोग्राम हमारा जेनरेट हुआ है। एक बार मैं इसे क्लिक करता हूँ, ये देखो यहाँ पे ये जो हम बनाए हैं, ये हमारा जो टूल पास चला हुआ है, जैसे जैसे यहाँ पे चला हुआ है उसी हिसाब से ये हमारा प्रोग्राम बना हुआ है, ठीक उसी हिसाब से हमारा ये प्रोग्राम बना हुआ है। तो इसको क्या करो, आप पेन ड्राइव में डालो और मशीन में लगा दो, और ऑफसेट लेके इसको चला दो, ये आपका चल जाएगा। तो इस तरह से इसका प्रोग्राम हम बनाते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए और कमेंट करिए, और अगर आपको एनसी फाइल नहीं बनानी आती है, आपका प्रोग्राम जनरेट नहीं हो रहा है, तो आप इस वीडियो के एक बार जरूर देखो, जैसे जैसे मैं यहाँ पे किया हूँ ठीक आप उसी तरह से करो। अगर कोई दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमें कमेंट करके बताओ कि आपको क्या दिक्कत आ रही है, इस पे मैं दोबारा से एक वीडियो अच्छी तरह से बना दूंगा मैं। फिर भी ये वीडियो तो काफी अच्छी बन गई है, अगर स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं किया हूँ ठीक उसी तरह से आप करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों एक चीज इसमें और होता है कि मान लो हमने तीन टूल लिया है, कि हमने एक से रफ किया, एक से सेमी रफ किया, और दूसरे से फिनिश किया। मैं आपको एक बार दिखाता हूं इसको, इसको मैं दिखाता हूँ। इसको हमारे पास ये दो टूल है, हमने क्या किया है, एक से रफ किया है, रफ किया है, दूसरे से फिनिश किया है। अब मैं दूसरा चला के दिखाऊंगा आपको, पहला टूल हमारा रफ किया था, दूसरा ये फिनिश कर रहा है। अगर हमने एक से रफ किया और दूसरे से फिनिश किया और तीसरे से भी फिनिश किया, मतलब एक रफ, दूसरा सेमीफाइनल, तीसरा फाइनल, हमें तीनों टूल का प्रोग्राम चाहिए। अभी हमने क्या किया था, आपको एक टूल का प्रोग्राम बना के दिखाया, हमें तीनों टूल का प्रोग्राम चाहिए। तो तीन टूल का प्रोग्राम कैसे बनाते हैं और सीरियल वाइज में चलते कैसे हैं, जब हम प्रोग्राम बनाएंगे, ऐसी फाइल जनरेट करेंगे, और थर्ड होगा फाइनल का, तो तीनों का प्रोग्राम एक साथ में बनेगा। इसका वीडियो मैं
आगे बनाऊंगा कि अगर दो टूल का, तीन टूल का एक साथ में उसका प्रोग्राम बनाना हो तो हम कैसे प्रोग्राम बनाएंगे। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, आप हमसे कुछ सीख पा रहे हैं कि नहीं सीख पा रहे हैं। एक बार आप, अगर आपको एनसी फाइल जनरेट नहीं करने आती है तो एक बार ये वीडियो को देख के आप ट्राई करो, आपसे जरूर होगा। अगर नहीं होता है तो हमें कमेंट करिए, दोबारा मैं वीडियो इसके ऊपर में बनाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही।